आप सभी को गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए इस समय की आपकी ट्रेड। गुड इवनिंग टू यू वंस अगेन। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है LNT, ट्रेड कर रहा है 3661 पर। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला है और बेस बना हुआ है। स्टॉप होगा 3640, टारगेट 3700 के नजर आता है। हो सकता है स्पिल हो रहा है कल तक, लेकिन यहाँ तक जाना चाहिए LNT। ओके लार्सन एंड ट्यूब्रो, चलिए ये हो गई गाबा सर के पिक का। अब शिल्पा जी को जोड़ते हैं। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा अभी IGL में। IGL मुझे लगता है कि एक अच्छे मोमेंटम में है, स्ट्रेंथ भी अच्छा है। 545 से 550 के नेक्स्ट टारगेट्स होने चाहिए। तो आप इसका 550 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 4 रुपये में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 2 रुपये का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 6.5 रुपये का। इसके ऊपर जाता है तो 8 से 9 का भी। इसको सेम लेवल्स पर प्रभुदास लीलाधर में भी आज हमने रेकमेंड किया है। ओके सेम न्यूज़ पे अपने जो क्लाइंट्स हैं वहाँ भी राय गई है, स्क्रीन पे भी शेयर की जा रही है। IGL 550 की कॉल ऑप्शन में एंड फ्यूचर्स। शिवांगी गुड आफ्टरनून, ट्रेड आपका यहाँ पे इस वक्त का। जी बिल्कुल, रडार पे है मेरे डिक्सन टेक्नोलॉजी। स्टॉक ने काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम दिखाया और प्रीवियस एक हर्डल जोन्स को सरपास करते हुए अच्छी तरह से होल्ड करते हुए दिख रहा है। लास्ट के अभी एक घंटे में हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक अच्छा लॉन्ग्स यहाँ पे ऐड होते हुए दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये एक आर्ली बेसिस पे जो ये ब्रेकआउट है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी ये ट्रेंड। तो यहाँ पे बिल्कुल हमें ख़रीदारी की मौके ढूंढने हैं 14,400 के टारगेट्स के लिए और 13,650 के एक स्टॉप लॉस के साथ। जी आज डिक्सन पे आसूस की धुन सवार है और 13,946 अब एज पे बैठा है 14,000 के। क्या स्टॉक रहा है डिस्कशन करेंगे आज इस पर। अभी लास्ट वीक की अनुजर मेरी बातचीत हो रही थी, इसकी मैनेजमेंट से हम बातचीत कर रहे थे। फॉर द टाइमिंग आते हैं अमित जी के पास। अमित जी आपकी ट्रेड इस वक्त की। जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी इस समय मेरी ट्रेड की ICICI बैंक स्टॉक ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के ब्रेकआउट के वर्ज पे है। यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल सेटअप देखें तो इट्स ऑन द पॉजिटिव साइड, तो इसे बाय करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1240 एंड टारगेट्स ऑफ 1280 एंड 1300। चलिए अब चलते हैं मानस के पास। मानस गुड आफ्टरनून। मानस आपकी ट्रेड क्या रहेगी समय की। गुड आफ्टरनून अनुज जी, तो देखिए नेशनल एल्युमिनियम में खरीदारी करने की राय रहेगी। नैल्को के पैटर्न देखेंगे तो आज एक्चुअली इसने हाइट ऑफ हायर परसेंट का कंफर्मेशन दिया है। एक पहला जो रेजिस्टेंस था 187 का उसको ब्रीच किया है, तो नैल्को में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 184.50 184.50 रुपए के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे और टारगेट 195 195 के सेट करेंगे। अगर चाहे तो 190 के कॉल ऑप्शन जो 3 रुपए पे ट्रेड हो रहा है वहां पे 2 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 6 रुपए के टारगेट से करिए। ओके नैल्को 190 की कॉल भी आपके पास विकल्प है बाय करने का। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज आपका जो कन्विक्शन आइडिया है वो क्या है आज का। नमस्कार जी, आज का मेरा जो कन्विक्शन आइडिया है वो होगा डालमिया भारत कंपनी। साउथ और ईस्ट इंडिया में ऑपरेट करने वाली सीमेंट कंपनी है। लगभग 46 मेट्रिक टन की कैपेसिटी अभी है। साल के अंत तक लगभग 49 से 50 मेट्रिक टन की जैसी कैपेसिटी हो जाएगी। कॉस्ट एफिशिएंट प्रोड्यूसर है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ी कम है साउथ और ईस्ट में, पर कैपिटा कंजम्पशन कम होने की वजह से इंडियन एवरेज से भी। बट ग्रेजुअली जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट में कुछ इंप्रूवमेंट देखा है, कुछ और स्टेट्स में ईस्ट में भी हम इंप्रूवमेंट देख रहे हैं कैपेक्स के साइड पे, इंफ्रा के साइड पे, तो उसका फायदा डालमिया भारत को भी मिलना चाहिए। हमारा ये मानना है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रैंप अप भी होना चाहिए। इसके अलावा कंपनी की लॉन्ग टर्म टारगेट्स काफी अग्रेसिव हैं। लगभग 75 MTPA तक अपनी कैपेसिटी को इनिशियल फेज में ले जाने की वो बात कर रहे हैं, जो लगभग 60% ग्रोथ है करंट से। हमारा ये मानना है कि बड़ी कंपनी होने के कारण इस कंपनी को आइडियली 120 के आसपास का EV पर टन रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे ट्रेड करना चाहिए, लेकिन कंपनी अभी 104-105 के आसपास के EV पर टन पे ट्रेड कर रही है। तो FY25 की जो कैपेसिटी है वहाँ करीब 7-8% इम्प्रूवमेंट यहाँ से होनी चाहिए, तो 50 मिलियन टन के आसपास और 120 का अगर ईवी पर टन मिलता है तो हमारे हिसाब से 2300 रुपए के इनिशियल टारगेट्स के हिसाब से डालमिया भारत काफी बढ़िया बैठा चाहिए। ओके